हेलो फ्रेंड्स, विशाल कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्दियों के लिए खास और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी खजूर के लड्डू की रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो खजूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिए हैं मैंने 250 ग्राम खजूर। तो इनके जो बीज हैं उनको मैंने बाहर निकाल लिया है, यानी बीज और खजूर को अलग कर लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने 1/4 कप ऑलमंड्स यानी बादाम, जिनको मैंने बारीक यानी कि छोटा छोटा काट लिया है। यहाँ पे लिए मैंने छोटे छोटे कटे हुए 1/4 कप कैश्यूज यानी काजू। यहाँ पे लिए मैंने 1/4 कप रेजिन्स यानी किशमिश। यहाँ पे लिए मैंने 3 टेबल स्पून के करीब पॉपी सीड्स यानी जिसे खसखस भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 3 टेबल स्पून के करीब लिए हैं पिस्ता। यहाँ पे लिए मैंने लगभग 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी। तब हम लेंगे एक मिक्सिंग जार। मिक्सिंग जार में हम खजूर को डाल देंगे। तो खजूर को हमने मिक्सिंग जार में डाल दिया है, इसको हम हल्का सा प्रेस कर देते हैं। इसका ढक्कन लगाकर हम इसको पीस लेंगे। तो जितना मैं पीस सका इसको मैंने पीस लिया है। तो इसको मैंने लगभग 30 से 40 सेकंड तक पीसा था, तो ये लगभग इतना ही पीसा है, पूरा नहीं पीसा हुआ है। तब मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है, इसमें डाल दूंगा मैं पॉपी सीड्स यानी खसखस। तो खसखस के दानों को मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगा। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे हल्का सा रोस्ट कर लूँगा लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए। तो खसखस को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा एक प्लेट में। तो खसखस को मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब उसी पैन को मैंने वापस गैस पर चढ़ा दिया है और गैस के फ्लेम को मीडियम कर दिया है। इसमें अब डाला मैंने लगभग 1 टीस्पून के करीब देसी घी। तो घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। घी को हमने मेल्ट कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम कटे हुए बादाम, इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम को मैंने लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए रोस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम कटे हुए काजू, काजू को भी हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। इसके अंदर भी हम डाल देंगे किशमिश, तो किशमिश और काजू को साथ में हमें रोस्ट कर लेना है। तो मैं सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा और इनको रोस्ट करते जाऊंगा। इनको भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब तो इसमें हम डाल देंगे पिस्ता। तो आदमी यहाँ पे मैंने आधा पिस्ता डाला है और आधा बचा लिया है। तो पिस्ता डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट होकर तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगा। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने प्लेट में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब इसको साइड में रख देंगे। तो वापस मैंने पैन को चढ़ा दिया है। इसमें डालूंगा मैं लगभग फिर से 1 टीस्पून के करीब देसी घी। तो घी को हमें मेल्ट कर लेना है, गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं पीसे हुए खजूर यानी खजूर को, जिसको हमने पीसा था मिक्सिंग जार में। तो इसको मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसको हम प्रेस करते हुए और लगातार चलाते हुए अच्छे से मैश करते हुए इसे हमें कुक कर लेना है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। तो बस हमें इसे मैश करते जाना है और उसे चलाते हुए कुक करते जाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे जो खजूर है अच्छे से मैश हो जाएंगे और वो आपस में चिपक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो खजूर हैं वो अच्छे से मैश हो चुके हैं और ये आपस में अच्छे से चिपक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा ड्राई फ्रूट्स यानी वो सारे ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके तैयार किए थे। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं खसखस के दाने जो हमने रोस्ट किए थे। तो यहाँ पे मैंने आधे दाने बचा लिए हैं, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब इन सभी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दूंगा। तो बस सभी को मिक्स होने तक हम इसे कुक कर लेना है। तो सभी ड्राई फ्रूट और खजूर हमारे मिक्स हो चुके हैं। इसको अब मैं किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगा। अब इसको हम हाथों से प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो खसखस के दाने प्लेट में ट्रांसफ़र किए थे इसमें डाल दूंगा मैं बचे हुए पिस्ता। तो इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा।
इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमारा खजूर का जो डो है वो भी ठंडा हो चुका है। अब इसको हम एक बार हाथों से अच्छे से गूंथ लेंगे, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना, बस हल्का हल्का करने से गूंथ लेना है, ताकि हमारे जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हाथों में मैंने लगा लिया थोड़ा सा देसी घी। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर लेकर इसके गोल गोल बॉल्स बना लूँगा। तो आप अपने मन के अनुसार छोटे या बड़े कैसे बॉल्स बना सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज के बॉल्स बना लिए हैं। इन बॉल्स को मैं कोट कर दूंगा खसखस और पिस्ता के साथ। तो इनको कोट करने के बाद इनको मैं हाथों से अच्छे से प्रेस कर दूंगा, ताकि हमारे जो पिस्ता हैं और खसखस हैं वो अच्छे से ऊपर से सेट हो जाएं। तो बस सारे बॉल्स मैं इसी तरह बनाकर और रेडी करके तैयार कर लूँगा। तो इनको वापस से प्रेस कर देना है। तो सारे बॉल्स को मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगा। तो दोस्तों हमारे खजूर के लड्डू एकदम हेल्दी और एकदम टेस्टी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।